बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस आभार कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, आज यह हम सब के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के पश्चात, नतीजों के पश्चात, आज यहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जीत हासिल हुई है उसके आभार कार्यक्रम में जनता को आभार देने के लिए हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और करोड़ों लोग जो मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, यह जो जीत हरियाणा में हमने हासिल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया, यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मत व्यक्त किया, यह उसका परिणाम है कि आज जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आपका अथक परिश्रम, आपका अथक प्रयास और आपने जिस तरीके से भारत की जनता को एक ताकत देने का काम किया, जिस तरीके से आपने देश के परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया, उन सब के ऊपर ये हरियाणा की जनता ने फिर से मुहर लगा करके बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके नेतृत्व में सारी जनता खड़ी है। कल आपने अपने जीवन के 23 वर्ष प्रधान प्रशासक के रूप में अविरल लगातार बिना किसी ब्रेक के 23 वर्षों से 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में और 10 वर्ष पूरे करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम प्रधान सेवक के रूप में आपने सेवा की और आज हरियाणा के नतीजों ने बता दिया कि आपके अथक प्रयास, आपका परिश्रम, आपने बिना रोके हुए, बिना ब्रेक लगाए जो भारत की जनता की सेवा की है और जो भारत के मिजाज बना है वह मिजाज हरियाणा ने उसको पूरा किया है और वह मिजाज को दर्शाता है। आपने पिछले 23 सालों में जिस कार्यकर्ता भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, यह उसका नतीजा है कि आज हम हरियाणा हो,
चाहे देश का मिजाज हो, वो हम देखते हैं, वो मोदीमय है। और यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो और ये मोदी की गारंटी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सबको जानना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति की रिवायत को बदल डाला है। हमने देश में राजनीति देखी है, 10 साल पहले हम देखते रहे हैं, कांग्रेस जातिवाद को आगे बढ़ाती रही है, कांग्रेस भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाती रही है, और आज भी जातिवाद में लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमने देखा है किस तरीके से परिवारवाद को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, किस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन है, जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, जहां कांग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है। ये तीनों सी कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन आपने इस रिवायत को बदला, भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने का किया, वहीं भाई भतीजावाद, वहीं परिवारवाद, और इन सब को धत्ता दिखाते हुए आपने विकासवाद को आगे बढ़ाया और विकासवाद के साथ आपने देश को जोड़ा है। यह सरकार, यह प्रोएक्टिव सरकार है, आपके नेतृत्व में चलने वाली सरकार, यह प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, यह अकाउंटेबल सरकार है। यह सरकार अपने से आगे बढ़कर के जनता की सेवा के लिए लगी रहती है, और यह उत्तरदायी दायित्व के बोझ से पूरी जिम्मेवारी को निभाने वाली सरकार है। इसलिए अकाउंटेबल सरकार, रिपोर्ट कार्ड की सरकार है, और विकासवाद को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जितना भी झूठ बोलना था बोला, लेकिन एक नहीं सुनी, और हरियाणा में आपको सबक सिखा दिया और जनता ने बीजेपी को मोहर लगा दिया, यह भी हमको ध्यान में। हमें खुशी है आपके नेतृत्व में एक से एक रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर उत्तराखंड में हमने दूसरी बार लगातार सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार सरकार बनाई, गोवा में तीसरी बार लगातार सरकार बनाई, तो आपके नेतृत्व में हरियाणा में भी जब से प्रदेश बना है पहली बार लगातार तीसरी बार सरकार बनी। मुझे याद है आप हरियाणा के प्रभारी होते थे, हरियाणा के साथ साथ आप हिमाचल के प्रभारी होते थे, हिमाचल के, हरियाणा के आपने जिला जिला, कस्बा कस्बा घूमा। कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसको आप नाम से नहीं जानते, और आपने वहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने की नींव रखी थी। मुझे याद है कि आपने एक विचार बैठक सोलन में बुलाई थी, हरियाणा के सभी पदाधिकारियों को आपने वहां बुलाया था, 3 दिन बैठ करके आपने योजना बनाई थी, उस योजना पर हरियाणा में हम आगे बढ़े, और आज आपके नेतृत्व में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है, और बे रोक टोक तीसरी बार लगातार सरकार बन रही है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हरियाणा में हमारा सीट शेयर भी बढ़ा है और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। ये जो बोलते थे, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे, उनको घर पे बैठा दिया। और बिल्कुल सही आपने कहा, ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे,
वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। ये हमारा वोट शेयर भी बढ़ा, हमारे सीट शेयर भी बढ़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित भाइयों में हमारी सीटों में भी इजाफा हुआ और उसमें भी हम आगे बढ़े। हरियाणा आज युवाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और कमल का निशान है। ये नॉन स्टॉप हरियाणा, ये आगे बढ़ेगा, यह जीत विकसित भारत के कम संकल्प की जीत है और उसके प्रति हमारे समर्पण की जीत है। यह जीत जहां वो समाज को विघटन में डाल करके समुदाय को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वहां सभी को साथ लेकर के चलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसको आगे बढ़ाया है। और कांग्रेस पार्टी ने झूठ फैलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन हरियाणा की जनता ने एक भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। मैं हरियाणा के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं। एक हमारी यहां की कट्टर बेईमान पार्टी भी है, कट्टर बेईमान पार्टी, ये 90 की 90 सीटों पर लड़े थे और 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त करा ली, यह परिस्थिति हो गई। जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी हमारी पिछली बार से सीटें अधिक आई हैं और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है, और समय दूर नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी है तो धारा 370 वापस हुई है और हमेशा वापस रहेगी, इस बात का पूरा विश्वास। इसलिए मैं आप सबको, आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ जुड़ जाइए। आगे हमने महाराष्ट्र भी जीतना है, आगे हमने झारखंड भी जीतना है और हमने दिल्ली में भी कमल खिलाना है। और इसलिए आप सब लोगों से मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का पुनः उनका अभिनंदन करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी को आगे बढ़ाने में आपके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे और आपके नेतृत्व में एक पर एक जीत हासिल करते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ पुनः आपके आने पर आपका अभिनंदन और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दो में विकसित भारत जो देखना चाहते हैं